पापा आपने मुझे बुलाया? क्या बात है? ये तुम्हारे और सुमन के बीच में चल क्या रहा है? किस बात का टेंशन है? पापा ऐसी कोई बात नहीं है, सब सब ठीक तो है। झूठ मत बोलो मुझसे, मैंने तुम दोनों की नजरें पढ़ ली हैं। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? पापा अब मैं आपसे क्या कहूं, इस टॉपिक पर एक बेटा अपने बाप से क्या कह सकता है? लेकिन अगर आपने मेरी नजरें पढ़ ली है तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। दरअसल मेरे और सुमन के विचार नहीं मिलते। नहीं अमित, दरअसल बेटे हम लोग सुमन को समझ ही नहीं पाए। उसके विचार हमारे विचारों से बहुत ऊंचे हैं बेटे। लेकिन पापा मैं, ऐसी बात नहीं है बेटे कि मैं तुम्हारी परेशानी समझता नहीं। उम्र के जिस दौर से तुम गुजर रहे हो, क्या मैं कभी उस दौर से नहीं गुजरा? लेकिन बेटे मैंने अपनी जिंदगी में सुमन जैसी लड़की नहीं देखी जो अपने परिवार की खुशी के लिए एक औरत की सबसे बड़ी खुशी को ही दांव पे लगा दे। बोलो बेटे तुमने देखी है ऐसी औरत? और बेटे अब तो उसकी तपस्या रंग ला रही है, परिवार फिर से एक हो रहा है। अब उसकी कसम है ही कितने रोज की। बस तब तक बेटे तुम अपनी पत्नी और हमारी बहू का लक्ष्य समझने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हें उसकी इस तपस्या में कोई विघ्न नहीं डालना है, बल्कि उसके साथ मिलकर उसकी इस तपस्या को सफल करना है। मैंने ठीक कहा ना बेटे? जी पापा। मेरी बात तुम्हें बुरी तो नहीं लगी? नहीं पापा, मैं आपके बातों पर